अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं आयान इलेक्ट्रिक एजे। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ये जो हम आर्मेचर बनाने लगे हैं दोस्तों, ये डोंगचेंग कंपनी का आर्मेचर है। डोंगचेंग दोस्तों, इसकी वाइंडिंग शुरू कैसे करनी है और इसके कनेक्शन क्या है, इसके मुतालिक सारी वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। दोस्तों सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो पिच के स्लॉट हैं ये कितने हैं। ये पिच के स्लॉट जो हैं ये 12 हैं, 12 स्लॉट हैं और 24 कम्यूटेटर है। दोस्तों इस कोई भी आर्मेचर इस तरह का होगा ना, तो आपने सबसे पहले किसी भी पिच वाले पे आपने निशान लगा लेना, इधर कहीं भी निशान लगा लेना। इसकी वाइंडिंग जो है ये पीछे की तरफ बननी है। ये आपने निशान लगा लिया, इस पर आपने सातवें स्लॉट पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातवां स्लॉट आ गया। दोस्तों ये जो निशान हम लगा रहे हैं ना, ये जब हमारा सेटों का एंड होगा ना, तो ये दो कॉइलों का दरमियान भी इधर ही आना है, इसी में ही। तो शुरू जो है, जो अगर पीछे की साइड तरफ हमने सेट बनाने, तो हमने पीछे की तरफ पेपर डालना है, पीछे की तरफ। पहला सेट जो है इधर इस साइड से बनेगा, दूसरा इस साइड से बनेगा। इसको शुरू कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने पेपर डालना है, ये 7 नंबर पेपर है, 7 नंबर। तो ये दोस्तों हमने 1 2 3 4 5 6 और ये छठे स्लॉट में हमने पेपर डालना है। इसकी जो पिच है ना हमारी, ये 1 से 6 की पिच है हमारी, 1 से 6 की। और तार का नंबर जो इस्तेमाल है वो 31 नंबर तार है इसकी, और उसकी टर्न जो है वो हमने 22 टर्न देनी है। दोस्तों ये 31 नंबर तार हमने लेनी है, ये 31 नंबर, ये हमने 80 ग्राम लेनी है, 40-40 ग्राम के दो हमने पीस बना लेने हैं इसके। 31 नंबर तार है ये। दोस्तों सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमने वाइंडिंग शुरू कहाँ से करनी है, वो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हमने जो इधर सेट डाले हैं ना, ये एक साइड के, ये इस साइड का हमने जो शुरू करना है ना, वो हमने शुरू इस साइड पे करना है। ये हमने बिल्कुल सीधा इस तरह ऊपर किया, ये बिल्कुल सीधा इस तरह, इससे हमने आगे वाले कुंडे पे कम्यूटेटर के, ये आगे वाला जो हमारा कुंडा है ना, ये इधर से हमने स्टार्ट लेना है इस साइड का। और दूसरी साइड का जब हम शुरू करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा कि हमने वो कहाँ से स्टार्ट लेना है। अब हम इस साइड का शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इंसोलेशन उतारेंगे तार की। दोस्तों इंसोलेशन जो है वो अच्छे तरीके से उतारनी है, ताकि कोई भी कुंडा हमारा मिस ना हो जाए। ये हमने पहला कुंडा जो है इधर से हमने स्टार्ट लेना है, इस साइड से। ये पहला हमने इधर से स्टार्ट लेना है ये। दोस्तों अब हमने इसमें 22 टर्न डालनी है।
ये दोस्तों हमारी 22 टर्न जो है ये मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसका जो कनेक्शन करना है ना, ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था उसके साथ वाले कुंडे पीछे वाले पे, ये पीछे वाले कुंडे पे हमने जो कनेक्शन इसका दूसरा है ना वो इधर से करना है। ये दोस्तों इधर से हमने पीछे वाले कुंडे पे हमने कनेक्शन कर दिया इसका। कनेक्शन करने के बाद हमने फिर दोबारा इसमें 22 टर्न डालनी है। दोस्तों ये हमारी 22 टर्न मुकम्मल हो गई है दूसरे सेट की। दोस्तों ये दो कॉयलों का एक सेट डालना है इसमें। ये हमने इससे आगे तीसरे कुंडे पे, ये अब तीसरे कुंडे पे हमारा कनेक्शन है इसका। ये तीसरे कुंडे पे हमारा कनेक्शन हो गया। ये दोस्तों एक सेट जो है हमने डाल दिया है। दोस्तों साथ साथ सेटों को ना बिठाना भी ज़रूरी है, सेटों को साथ साथ बिठाना भी है ताकि आसानी से हमारे सेट आ सकें। दोस्तों अब हम ये दूसरी साइड के जो हैं पेपर जो हम डालेंगे, अब दूसरी साइड का हमने सेट जो है वो स्टार्ट करना है इसका। इसके भी 1 से 6 की पिच है। ये टोटल सेट हमने जितने भी डालने हैं हमारे 1 से 6 की पिच में हैं, 1 से 6 की पिच है। दोस्तों ये अब हम दूसरा सिरा इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सिरा ये भी दोस्तों इसी तरह ही आपने जो स्टार्ट है ना दूसरे सिरे का वो हमने इस साइड पे लेना है। ये जहाँ पे हमारी तार नहीं आ रही दूसरी, ये इसे आगे वाला कुंडा। ये इसे आगे वाले कुंडे पे हमने स्टार्ट लेना है इसका दूसरे सेट का। इसकी भी दोस्तों हमने 22 टर्न डालनी है। दोस्तों इसके 22 टर्न हो गई हमारी दूसरी पहली कॉइल की दूसरी साइड की। ये दोस्तों इसका जो साथ वाला कुंडा है पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ इस पर हमने कनेक्शन करना है इसका। दोस्तों तार की इंसुलेशन का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अगर कोई भी कुंडा मिस हो गया तो हमारा आर्मेचर जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। दोस्तों इसी सेट में ही हमने दोबारा इसमें 22 टर्न देनी है। दोस्तों इसकी 22 टर्न हो गई हैं हमारी। दोस्तों इसका कनेक्शन अब हमने तीसरे कुंडे पे करना है पीछे की तरफ, क्योंकि हमने सेट जो है वो पीछे की तरफ बना रहे हैं हम,
तो कनेक्शन भी हमारे पीछे की तरफ ही हैं इसके। दोस्तों ये डोंगचेंग कंपनी का आर्मेचर है छोटे ग्राइंडर का। दोस्तों अब हम जो साइड पे जिस साइड पे सेट क्लियर किया है अब उसी साइड पे हमने पीछे की तरफ ये पेपर हमने साथ डाला है जो, और इसी पेपर डालने के साथ ही हमने ये पीछे की तरफ हमने ये सेट ये इस तरह बनाना है। इसकी भी पिच हमारी 1 से 6 की पिच है। दोस्तों ये हमारी 22 टर्न हो गई हैं पहली कॉइल की। इसका कनेक्शन अब हम पीछे वाले कुंडे पे करेंगे। दोस्तों सेट हमारे पीछे की तरफ है और कनेक्शन भी पीछे की तरफ ही है। अब फिर दोबारा हम इसमें 22 टर्न डालेंगे। दूसरी कॉइल के भी हमारी 22 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। इसका कनेक्शन अब पीछे वाले कुंडे पे हम करेंगे। दोस्तों अब दोस्तों हम दूसरी साइड जो है वो शुरू करेंगे। दूसरी साइड इसका सेट हम पीछे अब बनाएंगे। दोस्तों ये दूसरी साइड का हमने सबसे पहले पेपर डालना है। पेपर डालने के बाद हम 1 से 6 की पिच में हमने ये दूसरी साइड का पहला कॉइल डालना है। दोस्तों ये पहली कॉइल की हमारी 22 टर्न हो गई है। इसका कनेक्शन अब हम पीछे वाले कुंडे पे करेंगे। इसका दोस्तों कनेक्शन करने के बाद हम फिर दोबारा इसी स्लॉट में हमने 22 टर्न दोबारा डालनी है।
दोस्तों ये हमारी 22 टर्न मुकम्मल होने के बाद हम कनेक्शन करेंगे पीछे वाले कुंडे पे। ये दूसरी साइड की दूसरी कॉइल मुकम्मल हो गई हमारी। अब हम तीसरी कॉइल शुरू करेंगे इसकी। दोस्तों अब हम इससे अगले सेट में हम पेपर डालेंगे। दोस्तों हम दूसरी साइड का चौथा सेट बनाएंगे। अब इसके लिए पेच जो है हमारी 1 से 6 की है। दोस्तों अब हम इसका 5वें सेट में पेपर डालेंगे। ये 5वां सेट अब बनेगा इसका। इसकी भी 1 से 6 की पिच है। दोस्तों अब हम इसका 6ठा सेट बनाएंगे एक साइड का। ये आखिरी सेट है। इसकी पिच 1 से 6 है। ये 22 टर्न हमारी हो चुकी हैं। अब इसका हम कनेक्शन करके दोबारा इसमें टर्न डालेंगे। दोस्तों ये एक कॉइल में 22 टर्न 2 दफ़ा डालनी है। 12 इसका पिच है और कम्यूटेटर जो है वो इसका 24 है, इसलिए हमने 2-2 सेट डालने हैं। या अब हम इसमें डालेंगे। दोस्तों इसकी 22 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। अब हमें इसका जहाँ से हमने शुरू किया था इधर से पहले सेट का उस पे हमारा एंड है। अब
एक साइड का जो हमारा एंड हो गया जहाँ से दूसरा हमने शुरू किया था, पहले का एंड हो गया है, अब हम दूसरा शुरू करेंगे। इसके बाद उसका एंड जो है दूसरे का एंड पहले पे होगा। ये हमारी एक साइड मुकम्मल हो गई है। अब हम दूसरी साइड इसकी शुरू करेंगे। दोस्तों ये दूसरी साइड का हम छठा सेट बनाएंगे। अब आखिरी इसमें भी 22 टर्न डालनी है हमने। दोस्तों अब हम दूसरी कॉइल डालेंगे इसकी, आखिरी कॉइल की। दोस्तों इसकी 22 टर्न मुकम्मल हो गई है। अब हमने जहाँ पे दूसरा शुरू किया तो उस पे पहले वाले पे हमारा एंड हो गया। अब इधर पे हमारी वाइंडिंग इसकी मुकम्मल हो जाती है आर्मेचर की। दोस्तों ये अब हमारा आर्मेचर मुकम्मल हो गया है। दोस्तों ये डोंगचेन कंपनी का ग्राइंडर है जिसका हमने आर्मेचर वाइंड किया है।